हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल योर हेल्पिंग हैंड्स आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आज मैं आपके साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो आपको किचन ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी मदद करने वाला है काफ़ी हेल्प करने वाला है जी हाँ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्लास्टिक किचन ऑर्गेनाइजर रैक और प्लास्टिक डिस्ड्रेनर बास्केट के बारे में मैं जेन्यून रिव्यू में आपके साथ शेयर करूँगी आई नो दैट कि आप सबको मालूम है अभी मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिक किचन ऑर्गेनाइजर रैक और प्लास्टिक डिश ड्रेनर बास्केट अवेलेबल हैं बट उन सबका क्या ड्रॉबैक्स है और क्या एडवांटेजेस है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तो मेरे पास दो टाइप के बास्केट है इसमें से विच वन इज़ बेटर उसका जेन्यून रिव्यू मैं दे रही हूँ और हाँ ये जो रिव्यू है दिस इज कम्पलीटली माई पर्सनल ओपिनियन पर्सनल रिव्यू ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है सो so यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक ब्लू कलर का किचन सिंक डिस्ट ड्रेनर बास्केट है जो तीन पार्ट में डिवाइडेड है एक है रैक एक है प्लास्टिक ड्रेनिंग ट्रे एंड एक है नाइफ एंड फोक होल्डर इस टाइप के बास्केट कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट में से आपको मिल जाएगा लाइक एमजॉन फ्लिपकार्ट इसका जो प्राइस रेंज की मैं बात करूं ये 350 से लेके 450 के बीच में आता है ये मैंने अमेजोन से परचेज किया था इसका प्राइसिंग था कुछ 360 से लेके थ्री, से थ्री से के बीच में था अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसका जो एडवांटेजेस और ड्रॉबैक की बात करूँ तो इसका जो साइज है लेंथ है फोर्टी सेंटीमीटर विदी है फाइव सेंटीमीटर एंड हाइट है सेंटीमीटर ये थ्री इन वन रैक की क्वालिटी टी की बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छी है इसमें एक्चुअली दिया हुआ है कि ये ड्यूरेबल हैवी ड्यूटी प्लास्टिक इसमें यूज किया हुआ है ये एनवायरमेंटल सेफ है एंड हेल्दी है एंड अलॉन्ग विथ दिस बास्केट आपको एक बॉटम ट्रे भी प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू इजीली वाटर ड्रेन आउट हो जाता है आप देख सकते हो यहाँ पे तो जहाँ पे भी आप रखते हो वो फार्स बिल्कुल भी ही नहीं होता है गंदा नहीं होता है अपार्ट फ्रॉम दिस इसी के साथ आपको एक चॉप स्टिक और स्पून होल्डर मिलता है छोटी चीज रखने में और ढूंढने में भी नेक्स्ट मैं बात करूंगी स्टोरेज कैपेसिटी तो ये उतना नहीं है यहाँ पे कोई बड़े बर्तन लाइक like प्रेशर कुकर बड़ा कुछ बर्तन यहाँ पे आप अच्छे से नहीं रख सकते हो एक साथ तो इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है ये मुझे जो जितना लगा सेकेंड जो मेरे पास डिस्ट्राइंग रैक है वो है स्पेस सेविंग किचन रैक विद अ वाटर कलेक्टिंग ट्रे इसको आप एज अ किचन ऑर्गेनाइजर रैक भी यूज कर सकते हो ये बहुत ही यूजफुल है ये किचन ऑर्गेनाइजर रैक में आपको एक बॉटम ट्रे मिलता है एक प्लेट होल्डर ट्रे अलॉन्ग विद कटलरी पोर्शन दो साइड पीलर्स एंड अ वाटर कलेक्टिंग ट्रे इस पैकेज में आपको सारे पार्ट्स अलग अलग रिसीव होता है इसको आपको घर पे असेंबल करना पड़ता है देखिए दोनों साइड पिलर में कैसे ऐसे हल्का सा आप इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है इसके होल में सेट हो गया नेक्स्ट ऊपर जो इसका प्लेट होल्डर ट्रे को भी आपको यहाँ पे हल्का सा बस पुश करेंगे तो ये सेट हो जाता है एंड ये दोनों कटलरी जो पोर्शन बनाने के लिए दो ऐसे दिया हुआ है पार्टीशन तो ये बन गया है तो so, ये रैक को आप घर पर ही ईजिली असम्बल कर सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा इट्स वेरी ईजी टू असेंबल नेक्स्ट मैं बात करूंगी इसका साइज़ के बारे में इसका जो लेंथ है 45 सेंटीमीटर विथ है 26 सेंटीमीटर हाइट है 28 सेंटीमीटर सो so, आप देख सकते हैं इसमें दो रैक है दो रैक होने के वजह से इसमें स्पेस जो है काफ़ी ज़्यादा है और स्पेस सेविंग भी है क्योंकि एक के ऊपर एक है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप रख सकते हो अलग से इसका कटलरी सेट भी दिया हुआ है प्लेट्स के लिए अलग से स्पेस दिया हुआ है नेक्स्ट इस ट्रेनर रैक का मैं स्टेडीनेस एंड ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ तो इसके लिए मैं थ्री देने वाली हूँ बट इसका स्टोरेज कैपेसिटी के फ्लिपकार्ट अमेजोन से मंगवाई थी इसका प्राइसिंग था कुछ फिर फाइव फोर्टी से फिफ्टी के बीच में ये रैक बहुत सारे कलर में भी अवेलेबल है अगर आपको ये वाला चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी सो so, मैंने अपना जेन्य रिव्यू आपके साथ शेयर किया है अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप अपना कमेंट करके अपना व्यूज मुझ मेरे साथ शेयर कीजिए और ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल लव यू गाइज बाय एंड टेक केयर एंड स्टे हेल्दी